शिक्षा अधिकार कानून के तहत प्रत्येक विद्यालय में लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग शौचालय बनना अनिवार्य है, परंतु संत रविदास नगर भदोही जिले के सारी पूर्व माध्यमिक विद्यालय में कई वर्षों से शौचालय न बनने से यहां पढ़ने वाली राधा सहित 113 बच्चों को शौच के लिए भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यही है कि हम लोग को दूर जाना पड़ता है, शर्म आता है जब सर से पूछना पड़ता है कि कहाँ जा रही हो। यही सब अपने सर से कभी बोली थी? सर से कहा था, सर ने कहा था कि जो हम प्रयास करेंगे पर शौचालय नहीं बन सकते। अच्छा क्या होगा शौचालय बनने से? ये अच्छा होगा कि हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, इतना शर्म नहीं आएगा, हम शौचालय में जाएंगे। बच्चों की तो तमाम समस्याएं हैं, जैसे यहाँ पर शौचालय नहीं है, यहाँ ज्वाइंट क्लास लड़के लड़कियाँ दोनों का जो चलता है। सबसे बड़ी समस्या लड़कियों के लिए है कि जो बेचारी जो है बाहर जाती हैं और उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, उसके बाद लड़के भी हैं। शौचालय के लिए बहुत बार लिखा गया, विभाग को लिखा गया, तमाम संस्थाएँ आई, लिखवा कर ले गई, लेखपाल ले गए, सभी लोग ले गए, सेक्रेटरी ले गए, लेकिन उनसे भी कहा गया, ग्राम प्रधान जी से भी। यहाँ पर समस्या यह है कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, हम लोग जब बाहर करने बाहर जाते हैं और लेट भी हो जाता है आने में, बहुत दूर तक जाते हैं, और खाने के लिए यहाँ पे रसोई घर भी नहीं है। हमने गुरुजी से कहा और गुरुजी ने प्रयास किए, कहे चलो हो जाए काम, लेकिन शौचालय नहीं बना। हम लोग चाहते हैं कि यहाँ शौचालय बन जाए तो अच्छा है। शौचालय नहीं है तो समस्या क्या है लड़के और लड़कियों की? लड़के लड़कियाँ बाहर जाते हैं जिससे विद्यालय के कंपाउंड में गंदगी भी होती है। शौचालय बनने से ही फायदा होगा कि जो शौच से बीमारियां फैलती हैं गंदगी से, वो बीमारियां नहीं फैलेंगी और लड़के अपने अपने शौचालय में जाएंगे जिससे बीमारियां भी दूर हो जाएंगी और साफ सफाई भी हो सकेगी। मैं चाहती हूँ कि विद्यालय में शौचालय बने जिससे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की समस्या दूर हो सके। इसके लिए आप भदोही जिले के BSA जिनका मोबाइल नंबर 94-53-00-41-99 पर दबाव डालकर हमारी मदद करें। मैं अंजना यादव भदोही जिले से, इंडिया नहट के लिए।